सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई हम लोग जा रहे हैं अपनी गाड़ी का रिव्यू और Q&A वीडियो बनाने के लिए, जो कि आप लोगों की रिक्वेस्ट आई थी। आयुषी जी साथ में, और आयुषी जी को आज गाड़ी चलाने की भी थोड़ी सी चुल हो रही है, तो मैंने कहा थोड़ा सा रुक जाओ भाई, थोड़ी तो पुरानी हो, अब तो पन्नी भी नहीं उतरी है, अब मतलब मैं एक महीने पन्नी नहीं उतारूंगा तो गाड़ी पुरानी नहीं होगी। कुल मिला के बात है कि अपन लोग जा रहे हैं एक बहुत ही सुंदर लोकेशन पे, वहाँ पे ना हम लोग संडे को कभी कभार चले जाते थे टाइम पास करने, पूरी खाली पड़ी रहती है। आयुषी को थोड़ा दिखा दूंगा कि वो ट्राई कर लेगी गाड़ी चला के उसको कैसा फील आ रहा है। ऑब्वियसली इसका पिकअप बहुत ज्यादा हाई KEV से, तो उसको फील आएगा कि यार बिना कुछ करे क्लच छोड़ती गाड़ी आगे बढ़ रही है। बस थोड़ी सी हैवी ड्राइवर है, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। और भाई जब आयुषी गाड़ी चलाती है ना, जब मेरे को एक गाना याद आता है, कौन सा कुंडी लगा लो सही तेरे, जन्नत दिखाती मैं, तो ये वाला हाल हो जाता है भाई। इसके साथ बैठने पे ना काम खराब हो जाता है आदमी का। हाँ तो अपना स्टोरी बताओ अपनी ड्राइविंग का। एक बार जब उस वाली रोड पे मैंने एक बार और ड्राइव किया था, तो हमारे साथ एक फ्रेंड बैठा हुआ था एकदम, तो वो जैसे ही मैंने ना गाड़ी स्टार्ट करी, मुझे ABC में हमेशा कंफ्यूजन हो जाती है, एक्सेलरेटर इधर है या फिर क्लच इधर है, तो मैंने ना क्लच समझ के एक्सेलरेटर ड्रूंग हो गया था। ओ भाई मुझे उतार दो तो भाई ये हम जाते हुए सूरजकुंड रोड पे, और भाई ये रोड बहुत ही प्यारा है, बस खाली उबड़ खाबड़ है ना, इस वजह से थोड़ा काम बिगड़ जाता है भाई। अब आगे देख लो हालात आ गया ना, थोड़ा सा पानी भरा होगा जिसकी वजह से ना धचकी बहुत ज्यादा है, गड्ढे बहुत गहरे गहरे टाइप के हैं, देख लो बहुत भयंकर भयंकर से गड्ढे हैं, तो लोग इधर उधर से निकालते हैं। अब यहीं पे मेरी पुरानी गाड़ी होती तो क्या करता मैं, इधर से कुदा कुदा के भाई, महिंद्रा की बहुत खासियत है, कुदा कुदा के ले जाता था उसे मैं। इसे थोड़ा आराम आराम से चलाता हूँ, तो नई भी है, फिर मुझे इतना वो भी नहीं है कि यार जितना महिंद्रा को दौड़ा बढ़ा सकते हैं ना, उतना इसके ऊपर अभी ट्रस्ट नहीं है कि इसके साथ भी वो काम कर सकते नहीं कर सकते। ये देख रहे हो गड्ढे हैं, लग रहा है पहाड़ों पे घूम रहे हैं हम, ओ तेरी की, ये देखो अब अपन जाएंगे गड्ढे में, पत्थर है क्या क्या है, बहुत कुछ है भाई, लेह लद्दाख की पूरी फीलिंग आ जाती है। तो गाइस आज हम लोग निकले हैं पूरी तैयारी के साथ, अपने पास रखा हुआ है अपना परिंदा जिसके ऊपर लेंगे मस्त मस्त शॉट, यानी हमारे पास है हमारा ड्रोन, लेटा हुआ आराम कर रहा है अभी, ये जाते फिर गाड़ी के अच्छे अच्छे ड्रोन शॉट लेगा। इस वीडियो में लगा दूंगा, नहीं तो इससे अगली वाली में तो लगाऊंगा, इसमें भी लगा दूंगा। चलो यार ठीक है, क्या जाता है। तो जो पीछे से गाड़ी चलती का व्यू आएगा ना थोड़ी हाइट से, वो देखने में बड़ा मजा आएगा, क्योंकि गाड़ी की जो ओहो ओहो भाई ऐसा मत करो, लेकिन टू व्हीलर पे ऐसा नहीं करना चाहिए यार, देख रहे हो व्हील अलाइनमेंट तगड़ा हो रखा है भाई की गाड़ी के लिए, हेलमेट लगा रहे हैं चलती बाइक का हाथ छोड़ के है, वाह बेटे वाह, मौज कर दी। तो भाई ये देखो फिर ये रेस में भी है, चलो ठीक है इनको जाने दो, इनके बारे में बात करना हमको कोई फायदा नहीं है। अपना मैं बताता हूं आपको, ये अगर व्हील अलाइनमेंट गाड़ी का चेक करना ना, ये देखो ये अलाइनमेंट है, अब ये गड्ढा आएगा तो हल्का बहुत मुड़ सकती है, वरना गाड़ी एकदम सीधी चलती रहेगा, धचकी लगी तो मुड़ गई थी। बाकी अलाइनमेंट ऐसे चेक कर सकते हो आप, कई लोग है ना बोलते हैं कि सर्विस पे हर सर्विस पे कराओ, इस पे कराओ उस पे कराओ, ऐसे पैसे वैसे खराब करने की जरूरत नहीं आपको। मैंने अपनी गाड़ी जितनी भी रखी है ना अभी तक, मैंने कोई सर्विस पे नहीं कराया भाई, अलाइनमेंट जब जरूरत होती थी जब कराता था, कोई तुम्हारा 15,000-20,000 किलोमीटर पे एक बार करा लिया वो पता चल जाता है आपको, अगर आप चेक करते हो ना गाड़ी की आपका अलाइनमेंट बिगड़ा ही नहीं बिगड़ा, जब ही कराओ, ऐसे नहीं कि बेफजूल में पैसे लगाते रहो, जाता कुछ नहीं है 300। हाँ बोलो। मैं और तुम ना मिलवाट की गाड़ी चलाते हैं, देखो तुम मेरे को सिखा दो कि ये गियर कैसे लगाते हैं, तुम वीडियो बनाना, मेरे को बोलना एक गियर लगा दो कि तुम बोला हैंड ब्रेक खींच दे, मैं हैंड ब्रेक खींच दूंगी, अभी मत खींच दियो ठीक है ठीक है, खींचने वाला था। तो भाई आप लोगों को बताता हूँ, ये जगह है राजन होटल, तो हम दूसरे गेट से घुसते थे जब भी यहाँ पे आते थे, लेकिन आज हम इस वाले से घुसे हैं क्योंकि अंदर से है ना माहौल बहुत ही सुंदर है, यहीं पे पूरा सूरजकुंड का जो मेला है ना वो लगता है। अगर आप कभी फरवरी के टाइम पे आओगे तो 1 तारीख से 13-14 तारीख तक, मतलब वैलेंटाइन डे की जो डेज होते हैं पूरे, उन पे लगता है आपका यहाँ पे मेला बढ़िया वाला। गियर चेंज करिए छोटू, कौन सा थर्ड, बहुत बढ़िया सेकंड लगा, ओ बेटे सीख गई, देख ले भाई, देखो यहाँ पे ना बहुत ही आपको ऐसा लगता है नेचर के करीब हो, एकदम मस्त बंदर बंदर घूम रहे हैं और बहुत ही कलरफुल है यार यहाँ पे ना, यहाँ पे वीडियो बनाने का मजा ही अलग है। कहाँ पे बनाएंगे ये सोच लेते हैं पहले, ये एक जगह हो सकती है, पूरा अभी गेड़ी मार के देखते हैं, जहाँ पे समझ आएगा ना वहाँ पे प्लान करेंगे। भाई ये जगह इतनी सुंदर है ना, इतनी शांत है कि यहाँ पे जितना होना उतना मन करता है कि दोबारा आ जाओ। ऊपर देख लो आसमान कितना साफ हो रहा है, इधर छोटे छोटे बंदर है चिल कर रहे हैं साइड में बैठे हुए। भाई ये वो एरिया है जहाँ पे लगता है सूरजकुंड का मेला, ये गेट है एंट्री का, ये देख लो पीछे, यहाँ पे हर बार थीम चेंज होता है। कैसा लगा दोस्तों, बीच में से निकलने का रास्ता नहीं है भाई, देखो आपको लग रहा है कि इंडिया के अंदर घूम रहे हैं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा होगा आपको। गाइस एक चीज दिखाता हूँ, ये देखो ऊपर उड़ रहा है अपना ड्रोन, और एक कुत्ता बार बार उसे देख रहा था, अभी इधर देखने लग गया, देखो फिर देख रहा है, कह रहा है ये कौन सी बीमारी है ये साला, ये तो पहली बार देखने को मिली है, देखो सोचे जा रहा है बेचारा, क्या सोच रहा है पता नहीं, नई प्रजाति देखो देख रहा है, देखे जा रहा है।
आई होप आपको ड्रोन शॉट अच्छे लगे होंगे, अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अपन लोग निकलने वाले हैं ट्रैवलिंग पे बहुत लंबी बहुत ऊंची उड़ान के लिए, तो उसमें ड्रोन शॉट्स आपको देखने को मिलेंगे बहुत अच्छे अच्छे। बस ड्रोन बेचारा टूट जाता है कभी कभी, ये बड़ा गुस्सा हो जाता है, तो इसको मना के रखना पड़ेगा, वो इंपॉर्टेंट है। तो गाइस अब चल रहे हैं एक जगह ढूंढने शांति वाली, जहाँ पे कोई अपने को डिस्टर्ब ना करे और वहाँ पे हम वीडियो बना सके। यही लगा लेके पार्किंग लिखा हुआ है, ये ऊपर ही चले, आधी यहाँ पे कर सकते हैं आधी ऊपर कर सकते हैं, बोरिंग सा लग रहा है, ऊपर ही करते हैं सारी, आधी आधी का कोई चक्कर नहीं है, पूरी अच्छी जगह पे होगी। ठीक है भाई, ये है राजहंस होटल और ये जगह बहुत ही सुंदर है, बहुत ही शांत रहती है, बहुत ही प्यारी है, इसलिए हम लोग आए यहाँ पे वीडियो बनाने के लिए। अब लोकेशन जो है उन्हें को कातिलाना से ढूंढिए, इसका बैकग्राउंड सही हो और कोई डिस्टर्ब ना करो। लास्ट टाइम हमारी किंग जंग के साथ जब वीडियो शूट हुई थी तो यहाँ पे हुई थी, जहाँ पे जंगल फॉल लॉन लिखा हुआ है। अब देखते हैं नेक्स्ट अभी क्या कर सकते हैं। वैसे तो ये लोकेशन बहुत अच्छी लगी है, मगर इसमें आई डोंट नो कहीं पे ही जगह होगी पार्किंग करने की और गाड़ी, अच्छा लग रहा है पूरा। तो गाइस यहाँ पे हुई थी हमारे रोहित भाई की शादी, है ना, हाँ। रोहित भाई और विद्या भाभी की शादी, बड़ी मस्त लगती है मुझे जगह। वैसे तो आए हम भी थे पर शायद कुछ तो इशू हो गया था, हमें जगह लॉन था ना अंदर का, लॉन मतलब एक जगह थी लॉन वाली, उसमें हाँ। बोल रहे थे कि इतनी जगह को लॉक कर देंगे, बीच में स्विमिंग पूल था, ये होता था, हाँ। नहीं लिया था। बाकी इसके अलावा जो अंदर वाला एरिया था वो बहुत ही छोटा था। एक्चुअली क्या हुआ था, हमारी शादी लॉकडाउन के टाइम पे फिक्स हो रही थी, तो काफी सारे बैंकेट हॉल ने अपनी काफी जगहों का एक्सेस बंद कर दिया था। ये जगह बहुत ही सुंदर है, यहाँ पे यार अगली बार आएंगे बंदरों के लिए केले लेके आएंगे, इतने सारे बंदर मिलते हैं अंदर। नहीं बट यहाँ पे केले नहीं लाएंगे यार, क्योंकि फिर ये गंदगी यहीं पे मचाएंगे छिलका फेंक फेंक के। लेकिन ये कुछ खाएंगे तो इनको खिला भी तो रहना है, ऐसा थोड़ी ना है। तो कुछ ऐसा ले आएंगे ना जो जिससे गंदगी ना हो, ब्रेड ला सकते हैं, ब्रेड वगैरह टाइप। लेकिन केले से भी गंदगी नहीं होती यार, केला तो वो तो उसमें वो जाएगा ना, मिक्स हो जाएगा एनवायरनमेंट में। ओ भाई ये तो खत्म हो गई है बिल्कुल, आगे से खतरनाक एक्सीडेंट हुआ इस गाड़ी का। शिट, एयरबैग सब डेप्लाई हो रहा है। हाँ, ये भी फॉर्च्यूनर है ना? नहीं, इनोवा क्रिस्टा यार, कुछ नहीं बोल रहे तो यार। ठीक है, सॉरी गाइस। मुझे ना ये ब्लैक कलर और टोयोटा का लेबल देख के वो विकास जल की याद आ जाती है यार, तो मैं क्या करूँ। और गाइस देखो, सारी वीडियो बनाने के चक्कर में ना और यहाँ पे खड़े होकर गाड़ी स्टार्ट रखी काफी देर, आज हम ट्रैफिक में भी चले बहुत ज्यादा, तो 16.9 पे माइलेज आ गया, माइलेज गिरे जा रहा है। कितना रोगे। और अब हम इस लोकेशन को टाटा बाय बाय करते हैं, बाय बाय, फिर मिलेंगे। ये देख लो गाइस, ये है सूरज कुंड मेला की एंट्री, आई थिंक शनि महाराज का वो करके बनाया है डेडिकेट, लेकिन अच्छा है ना। हाँ बहुत सुंदर है। सो गाइज होपफुली आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक नहीं किया है, और अगर नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस तुषार लाने वाला है, स्पेशली हमारी बहुत इंटरेस्टिंग ट्रैवलिंग सीरीज आने वाली है, थोड़ा वेट करना पड़ेगा उसके लिए आपको ऑब्वियसली, क्योंकि अभी पहाड़ों पर खतरनाक बारिश का सीजन चल रहा है और इस सीजन में हम किसी को रेकमेंड नहीं करेंगे उधर ट्रैवल करने के लिए। सो बारिश सीजन एंड होते ही हम बहुत ही लंबे ट्रैवल पर जाने वाले हैं, अगर आपको हिंट ऑलरेडी तुषार काफी वीडियोज में चुका है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं हम आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।